कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया। राहुल ने सोमवार को दिल्ली सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान ये बात कही। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश के हालात पर सवाल किए गए। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि कोई भी धर्म उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता ही नहीं हो जाता। माफी चाहूंगा, लेकिन आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूँ। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता। जैसे ही कोई तपस्या करना बंद कर देता है, वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी है, बीजेपी और संघ इसके उलट चलती है। भारत जोड़ो यात्रा पहला और छोटा कदम है, आगे हम ऐसी और भी कोशिशें करेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले कहा था कि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता बीजेपी का काम आसान बना रहे हैं। वो वाकई बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस 1947 से देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है।